Hello friends, let's see the composition and the nature of intine. At first see what is intine. Intine is a layer of the pollen grain. Intine क्या है? एक pollen grain का एक layer है. इसको याद करने की एक trick है. Generally हम लोग बोलते हैं pick. Pick word अगर हमें याद रहता है तो pick से देखिए क्या होता है. Pick word से हमें याद रह सकते हैं. देखिए P से क्या हो सकता है? Pectin. Pectin हो गया P for pollen grain layer. ये किसका बना होता है? Pectin का बना होता है. ठीक है. And I for intine inner layer. C for cellulose continuous layer. देखिए पहला जो है हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं. पी से क्या हो गया? पैक्टिन. पैक्टिन का बना है. एंड सी फॉर सेलुलोज. सेलुलोज का बना है. कौन बना है? इंटाइन बना है. इंटाइन किसका बना है? पैक्टिन एंड द सेलुलोज. ठीक है. और ये इंटाइन है क्या? ये देखते हैं पॉलन ग्रीन्स का लेयर. पी से आपको क्या हो सकेगा? पैक्टिन एंड द पॉलन ग्रीन्स लेयर. ठीक है. इंटाइन इंटाइन कौन सा लेयर है? इनर या फिर आउटर? तो इनर लेयर होता है इंटाइन और आउटर लेयर कौन होता है इसका? एक्साइन होता है. आउटर लेयर क्या हो जाएगा इसका? एक्साइन. ठीक है. और सी फॉर सेलुलोज कंपोजिशन हो गया. और सी फॉर कंटिन्यूअस, जैसे पॉलन ग्रीन से तो इसके जो इनर वाला लेयर होता है ये कंटिन्यूअस होता है और फिर इसके आउटर जो लेयर्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं. कुछ मतलब इस टाइप से कुछ रहते हैं, बीच में पोर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग जम पोर्स बोलते हैं. जम पोर से क्या होता है? ये जो इंटाइन होता है ये इंटाइन बाहर की तरफ निकलता है जम पोर की हेल्प से. थैंक्स फ्रेंड.